हेलो दोस्तों, यदि आप मोदी जी की पोस्ट देखते होंगे तो आप अहमदाबाद के साइंस सिटी परिसर के बारे में जानना चाहते होंगे। क्या है साइंस सिटी परिसर में? नेचर पार्क है, एक्वेटिक और रोबोटिक गैलरी है। अहमदाबाद के साइंस सिटी कैसे अस्तित्व में आई? गुजरात सरकार ने गुजरात साइंस सिटी जनादेश प्राप्त करने के लिए 1999 में साइंस सिटी की स्थापना की थी। ये पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाता है। किस उद्देश्य से बनाया गया है? विज्ञान शिक्षा को मनोरंजन के साथ मिलाने के उद्देश्य से, ताकि साइंटिफिक टेंपर को प्रोत्साहित किया जा सके। इसका उद्देश्य इनफॉर्मल कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग पर ध्यान केंद्रित करना था। क्या क्या है देखने लायक? IMAX 3D थिएटर है, स्पेस है, एनर्जी है, लाइफ साइंस है, प्लांट्स है, नेचर है, रोबोटिक है, एक्वेरियम है, एवियरी है, बटरफ्लाई पार्क है, साइंस है, 360 डिग्री विज़न है, अंडर वाटर लाइफ है, म्यूजिकल फाउंटेन है और बहुत सारी सुविधाएं भी है। इसे पब्लिक के लिए भी ओपन कर दिया गया है। स्कूली बच्चों के लिए सब्सिडी वाले टिकट हैं ताकि यात्राओं को प्रोत्साहित किया जा सके। तो जाइए, घुमाइए नेचर पार्क, एक्वेटिक एंड रोबोटिक गैलरी साइंस सिटी अहमदाबाद में। लेकिन दोस्तों, अभी कोरोना का समय है, यदि आप कहीं आप स्कूल की तरफ से या बच्चों की तरफ से प्लान भी है तो ध्यान रखिएगा कि हमें क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या ध्यान रखने का है। साइंस सिटी कहाँ कहाँ है? बंगाल के कोलकाता में है, पंजाब के जालंधर में है, कपूरथला, शायद कपूरथला नाम हो, गुजरात के अहमदाबाद में के बारे में तो हम बता ही रहे हैं, असम के गुवाहाटी में और उत्तराखंड में भी, जहाँ पर साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है। बच्चों, साइंस सिटी भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक पार्क है, लेकिन ये पार्क जो है इसे पेड़ पौधे फूल तक सीमित नहीं है, ये वाटर से भी है, विजन से भी है, स्पेस से भी है। आप इसको पढ़ के आप गूगल में भी सर्च मार सकते हैं, टीचर्स से भी आप इस बारे में बात कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। धन्यवाद।